हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी हमारी बहुत बड़ी भर्ती होती है और उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी सेंटर्स पर पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट मंथ ऑलमोस्ट सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगा। अभी देखिए, सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया का इफेक्ट है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, और सोशल मीडिया का ही इफेक्ट है कि हर कोई जो है वो छा जाना चाहता है। कुछ हमारे साथियों ने पूछा, काफी मैसेजेज आ गए कि क्या हम वहां जाकर रील बना सकते हैं। देखिए, आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, उसमें एक चीज लिखी हुई है कि आप मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते ट्रेनिंग एक्टिविटीज के दौरान, उसके बाद तो कर सकते हैं। क्या यूनिफॉर्म में रील बना सकते हैं? यूनिफॉर्म में रील बना सकते हैं तो उसका जवाब जब मैंने दिया कि नहीं, यूनिफॉर्म में तो रील नहीं बना सकते, तो कैंडिडेट ने कुछ वीडियोज शेयर किए और उन वीडियोज में यूनिफॉर्म में रील बनी हुई हैं। बहुत अच्छी अच्छी रील बनी हुई हैं, गानों की रील बनी हुई है, दो चार मैंने देखे भी उसमें से। तो देखिए, आपको ये जो मेरा जो जवाब है, ये आप कुछ दिनों की जब आपका जॉब हो जाता है या ट्रेनिंग में आपको आपके फोर्स संबंधित एक्ट एंड रूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, उसमें एक होता है वायलेशन ऑफ लोकल ऑर्डर। अब लोकल ऑर्डर क्या है सभी फोर्सेस के लिए? आप रील्स इन यूनिफॉर्म आप सर्च करें, देखिए फोर्सेस ही नहीं, हमारी जितनी पुलिस फोर्सेस हैं उन सब ने भी अपने कर्मचारियों को निर्देश दे रखा है, रिटर्न में ऑर्डर्स हैं इस बात के कि सोशल मीडिया पर वो लोग रील नहीं बना सकते यूनिफॉर्म पहनकर, किसी प्रकार का गाना या उसका जो है कि जिसको कहते हैं कि अब एक शब्द है भांडगिरी, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा, मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जो रील मैंने देखी उनको देखकर तो ऐसा ही लगा कि महिलाएं जो हैं वो यूनिफॉर्म में इस तरह के रील बना रहे, तो या तो उनको अपने कानून की जानकारी नहीं है, अपने एक्ट एंड रूल की जानकारी नहीं है, और या शायद वो क्या है कि उनके ऊपर किसी गॉडफादर का हाथ है कि उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। नो मोर इंस्टाग्राम रील्स इन यूनिफॉर्म, उत्तर प्रदेश पुलिस टू फॉलो न्यू। अब ये आप गूगल में सर्च कर लेना, कि मेरी बात पर शायद आपको हो सकता है यकीन ना हो। 9 फरवरी 2023 का ऑर्डर है, डोंट एड फ्रेंड्स अपलोड फोटोज इन यूनिफॉर्म और मैक रील्स, ये है आंध्र प्रदेश पुलिस का। नो मोर रील्स इन यूनिफॉर्म्स पोस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो देखिए सरकारी कर्मचारी कोई भी होगा। बीएसएफ में 2017 में एक वाकया हुआ था जिसमें बीएसएफ के एक जवान जिन्होंने खाने के बारे में पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, और उसके बाद उनका क्या हुआ वो आप बेहतर जानते हैं। नो रील्स अवॉइड पॉलिटिकल टॉपिक्स, सोशल मीडिया गाइडलाइंस फॉर दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने भी 26 अगस्त 2023 का ये ऑर्डर है जिसमें एक ऑर्डर जारी किया। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑर्डर है, राजस्थान पुलिस का ऑर्डर है, बीएसएफ सीआरपीएफ इनके ऑर्डर हैं। सीआरपीएफ ने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि आप सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का पोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किए जा रहे हैं, वो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। कोप्स टू फेस एक्शन फॉर रील्स अंडरमाइनिंग खाकीज डिग्निटी, अब खाकी जो है या हमारा कैमो है उसका एक डिग्निटी है, उसका सम्मान का रेस्पेक्ट वो सब होना चाहिए। अब कोई बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बनाएं, कोई जो बना रहा है वो क्यों बना रहा है, किस आधार पर बना रहा है कि वो फलां जो है वो उस संबंधित फोर्स से रिलेटेड जो मैटर हैं टॉपिक्स हैं उस पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो देखिए जो ऑर्डर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं कि ऑर्डर्स तो ये हैं कि जो अभी आपका यूनिफॉर्म है उसकी एक डिग्निटी है और वो मेंटेन होनी चाहिए, तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए तो रील्स, किसी प्रकार का पोस्ट, किसी प्रकार का यूट्यूब, किसी प्रकार का व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, सोशल मीडिया किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को इसलिए सोशल मीडिया पर यूनिफॉर्म में फोटोज वीडियोज लोड न करने की सलाह इसलिए दी जाती है, ये एक शब्द है हनी ट्रैपिंग, और जिसमें अक्सर हमारे जवान जो है वो फंसते रहते हैं, जवान ही नहीं आला अधिकारी जो है वो भी फंसते रहे हैं, और फंसने के बाद
क्या होता है कि उनसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवाई जाती है, और वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो निकलवाया वो तो ठीक है, लेकिन जब पकड़े गए तब उसके बाद क्या हुआ। तो यहां पर देखिए आपका जो प्रश्न है कि क्या रील बना सकते हैं, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि नहीं बना सकते, बाकी आपकी मर्जी है, आप बनाना चाहें तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके जो भी लोकल ऑर्डर्स हैं उन लोकल ऑर्डर्स का ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ मैन इन खाकी कांट अपलोड पिक्चर्स रील्स ऑन सोशल मीडिया, 17 जून 2023 का ऑर्डर है। सीआरपीएफ का ऑर्डर है डू नॉट मेक वीडियोस एंड रील्स इन यूनिफॉर्म, जो कि 26 अगस्त 2023 का है। ये भी कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अब इंस्ट्रक्शंस तो है लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, वो फॉलो करवाने की जिम्मेदारी तो उनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसकी है, सीआरपीएफ की नहीं बाकी फोर्सेस की भी, कि जो पोस्ट हो रही है इस तरह की वो क्या वाकई उस फोर्स में है या वैसा ही यूनिफॉर्म खरीदकर तस्वीरें लोड की जा रही है। ये सीआरपीएफ का ऑर्डर है जिसमें रिगार्डिंग दीज इंस्ट्रक्शंस एंड ऑफिसर सेड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जवान्स टू फॉलो द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन देम रिगार्डिंग सोशल मीडिया। वो आपके जो रूटीन डे टू डे लाइफ होती है, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे उसके बाद का हमारा पूरा सर्विस हो, उसमें रोल कॉल नाम का एक एक्टिविटी होता है, जो अभी जो लोग सिविल से फोर्सेस में जाएंगे उनको उनको बता रहा हूं मैं, और वो रोल कॉल में इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो आपको रोज मिलने मिलते हैं। उन ऑर्डर्स को फॉलो करना, उनको फॉलो नहीं करना, तमिलनाडु पुलिस जो है उसके बारे में भी है, छत्तीसगढ़ का मैं बता दिया आपको, गुजरात पुलिस का है। रील्स कमेंट्स कोचिंग क्लासेस डूज एंड डोंट डूज फॉर यूपी पुलिस, जो कर्मचारी हैं ड्यूटी के, ड्यूटी को यूनिफॉर्म पहन लिया तो वो ड्यूटी है, और सोल्जर जो है वो तो कभी ऑफ ड्यूटी होता ही नहीं है। तो जो आप लोगों ने जानना चाहा था कि क्या हम रील बना सकते हैं, ये रील के बारे में गाइडलाइंस हैं कि रील तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो नहीं बना सकते, और अब आपको बनाना है तो जो लोग बाकी और बना रहे हैं उसके अनुसार आप भी बना सकते हैं, लेकिन नियमानुसार आप नहीं बना सकते। एक्ट एंड रूल जो है उसमें वायलेशन ऑफ लोकल ऑर्डर, तो लोकल ऑर्डर चाहे वो दिल्ली हेडक्वार्टर से जारी होता है रिटर्न में या सीएचएम के थ्रू आपको मौखिक रूप से बताया जाता है, लोकल ऑर्डर तो फोर्स में तो ऑर्डर है, इवन बीएसएफ में तो बांग्लादेश बॉर्डर की यदि हम बात करें तो वहां पर तो लोकल ऑर्डर ये भी रहता है कि आप ड्यूटी के दौरान आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, मोबाइल आप अपने कैंप में ही यूज कर सकते हैं, बाहर जाते हैं ड्यूटी पे तो उस समय आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे तो बहुत सारे जो है ऑर्डर्स हैं। तो जहां बात आती है कि क्या रील नहीं, लोग तो पढ़ा रहे हैं यूनिफॉर्म में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने वाला तो देखिए बात ऐसी है कि वो चलिए वो ये कह सकते हैं कि मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन जो डांस के गाने के इधर के उधर के बात वही आ गई, क्या बना सकते हैं नहीं बना सकते बाकी डिसाइड आपको करना है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और एक्ट एंड रूल जो है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि फोर्स डिसिप्लिन जो है वो वहां पर आप यदि नहीं उसको मेंटेन कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, ये आपको वहां जाने पर पता चलेगा। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी, आर्मी एयरफोर्स नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है, सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं, और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी नेवी एयरफोर्स BSF CRPF CISF SSB स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSCGD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी,
आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।